कहाँ पे अटकता हूँ तो मेरे को क्या क्या लगेगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है विच इज टायर रिपेयर। कौन सी बैग्स लेने वाले, तो सब क्या क्या लेके जाना चाहिए लॉन्ग राइड्स पे। व्हाट्सअप गाइज, गुड आफ्टरनून, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए लॉन्ग राइड्स पे और क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती है। सो सबसे पहले बात करेंगे हम लगेज का, हम लगेज कहाँ रखने वाले हैं, कौन सी बैग्स लेने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये है टैंक बैग, जो मैं टैंक बैग कैरी करने वाला हूँ, बाइक के टैंक पे लगेगा। दूसरा ये है टॉप बॉक्स, जो कि है 45 लीटर्स का, बहुत सारा सामान आ जाता है, सो ये लगेगा। उसके साथ में मैं सैडल बैग लेने वाला हूँ, सो इसमें भी बहुत सारा सामान आ जाता है। और इसके साथ में मेरा रहेगा हाइड्रेशन बैग, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, आपको मैं घुमा के भी दिखाता हूँ। सो ये मेरे शोल्डर पे आ जाएगा और मैं कैरी करूँगा। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या सामान रहने वाला है, मैं क्या एसेंशियल चीज़ें लेने वाला हूँ, क्या मेरे कपड़े रहेंगे, और उसके साथ में मैं क्या क्या टूल्स कैरी कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या क्या चीज़ें लेके जा रहा हूँ, अगर मैं कहाँ पे अटकता हूँ तो मेरे को क्या क्या लगेगा। ऑलराइट, सो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैकेनिकल पार्ट्स जो आपको कैरी करने बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कहाँ पे अटक जाते हो, आपको अगर मैकेनिक मिल जाता है लेकिन कभी अगर पार्ट्स नहीं मिला तो आप फंस सकते हो। सो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ मैंने क्या क्या कैरी किया है। सो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये मेरा ट्यूब है, फ्रंट एंड रेयर का ट्यूब है, प्लस ये जो है ये सैडल बैग का रेन कवर है, बंजी कॉर्ड्स, ये काफ़ी अच्छा मटेरियल में है और ये नॉर्मल वाले बंजी कॉर्ड्स है। प्लस मैंने लिया है चेन क्लीन करने के लिए, चेन ल्यूब मोट्यूल का, उसके साथ में चेन क्लीन है। और ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है विच इज़ टायर रिपेयर। सो ये प्रोडक्ट जो है, अगर आपका टायर पंक्चर होता है और आप कहाँ पे अटकते हो और आपको टायर चेंज करने के लिए कोई मिलता नहीं है, तो आप ये टायर सीलेंट है ये आप भरेंगे, टेम्प्रेरी भर जाएगा और 100 किलोमीटर आपकी बाइक चल सकती है। उसके बाद मैंने लिया है थ्रॉटल का केबल लिया है एंड क्लच का केबल लिया है, प्लस ये टूल है, टूल किट जो दिया था हीरो से, और ये है चेन क्लीनिंग करने का ब्रश। सो ये सारे इक्विपमेंट्स है, आप दोबारा देख लीजिए, जो काफ़ी एसेंशियल रहते हैं और आपको हमेशा कैरी करना चाहिए साथ में। तो विंटर एंड रेनी वेयर को मैंने साथ में ही रखा है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले विंटर का स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लिया है हुडी, उसके बाद में डीकैथलॉन से ये ब्लैक वाला इनर वेयर के लिए है, उसके साथ में टू पेयर्स ऑफ थर्मल्स, उसके साथ में ये राइडा का इनर थर्मल वेयर है, टू मंकी कैप्स, डीकैथलॉन से ये लिया है वार्मर्स, जो सॉक्स के अंदर आप डालोगे तो आपको अच्छा हीट मिलता है, प्लस ये वॉमी का है, बट ये लास्ट टाइम यूज़फुल नहीं आया था बद्रीनाथ में, स्टिल लेके जा रहा हूँ मैं। सो फिलहाल इतना लिया है मैंने विंटर के लिए। नाउ इफ़ आई मूव टू रेनी वेयर, बीबीजी का रेनकोट है, प्लस रेन पैंट है, प्लस मैंने राइडा के वाटरप्रूफ ग्लव्स लिए हैं, प्लस वाटरप्रूफ सॉक्स एंड वाटरप्रूफ कवर। सो फिलहाल इतना मैं ले रहा हूँ रेन वेयर के लिए एंड विंटर वेयर के लिए। बाकी अगर आप देखेंगे तो 7 टी शर्ट्स लेके जा रहा हूँ, एक जीन्स, 2 ट्राउजर्स, इतना फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। ये काफ़ी हो जाएगा क्योंकि राइडिंग जब मैं करने वाला हूँ तभी तो मेरे पास बीबीजी का राइडिंग जैकेट है, राइडिंग पैंट है, और 3 पेयर्स ऑफ इनर्स है मेरे पास, अपर एंड लोअर। ये सारी चीज़ें जो आपको कैरी करनी चाहिए हमेशा, आप जब राइड पे जाते हो और मैं ये कैरी करता हूँ, ये आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। टैंक बैग में मेरे सारे मैकेनिकल पार्ट्स का सामान आने वाला है, प्लस टॉप बॉक्स के अंदर और कुछ चीज़ें ऐड होगी, जो कि मेरी खाने की चीज़ें, खाने और पीने की। सो कोकोनट वाटर मैंने लिया है रॉ का, प्रोटीन बार लिया है, बाउंटी लिया है, च्युइंगम्स लिया है, इनो है, प्लस मेरे फैमिली डॉक्टर से मैंने डाइमोक्स की दवा एक ली है, प्लस सारी दवा ली है जहाँ पे सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशंस, पेट दर्द, गला, थ्रोट इन्फेक्शन जो भी है। एंड दिस इज़ माय मेडिकल बॉक्स, सो इसके अंदर ये सारा आएगा। प्लस यहाँ पे मैंने प्रिस्क्रिप्शन रखा है, जहाँ से मेरे को पता चलेगा कि मैं क्या क्या दवाइयाँ बाहर से ले सकता हूँ अगर मुझे वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द प्रिस्क्रिप्शन। सो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ली है, जो काफ़ी हैंडी और हेल्पफुल होती है। सो टॉप बॉक्स में इतनी सारी चीज़ें आने वाली है।
हैंग बैग के अंदर मेरा वॉलेट होता है, प्लस डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं, प्लस गोप्रो, इंस्टा 360, बाकी सारे एक्सेसरीज, मेरे नॉर्मल वेयर ग्लव्स होता है, और च्युइंगम मैं रखता हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो रहती है वो। और सैडल बैग में मैं एक साइड पे विंटर वेयर एंड रेन वेयर के कपड़े डालने वाला, एक साइड पे नॉर्मल वेयर के कपड़े डालने वाला हूँ। सो दैट्स इट, वी आर ऑल सेट टू लीव टू नेपाल। सो जब आप ये व्लॉग देखने वाले रहोगे तभी मैं नेपाल के लिए निकल चुका रहूँगा। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, डू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू इट। काफ़ी मज़ा आने वाला है नेपाल की राइड में, और नेपाल पहुँच के मैं आपको और एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आपको अच्छा लगेगा। सो कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।